अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिला है। भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन, यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा गया। डिनर की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पीएम मोदी जो बाइडन के साथ चीयर्स करते हुए दिखे। इस शाही स्वागत के पीएम मोदी मुरीद हो गए। वही पीएम मोदी का मुरीद हुआ पूरा अमेरिका। डिनर के लिए आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी गाना सुनाता। भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। स्टेट डिनर में शामिल होने ने इस शाम को और खास बनाया है। सभी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और भारत अमेरिका संबंधों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका के विकास के अहम योगदान रहा है। अब उनमें से कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। मैं भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे लेकर जाना चाहता हूं। कोरोना महामारी ने भारत सहित दुनिया भर में न सिर्फ लाखों लोगों की जान ले ली बल्कि अंदर से लोगों को कमजोर भी कर दिया। शोध के मुताबिक लोगों की इम्यूनिटी घट गई है। कमजोर वायरस भी इंसानों को अब शिकार बना रही है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है। ऐसे में अब एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने एक नए खतरे को लेकर आगाह किया है। निदेशक ने चेताया है कि कोरोना महामारी के बाद रोगाणुओं और सुपर बग का खतरा स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के बाद प्रतिरोधी रोगाणुओं और सुपर बग के विकास का खतरा बढ़ गया है। इससे महामारी के बाद विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं को सामान्य पटरी पर लाना जरूरी है। वहीं प्रतिरोधी रोगाणुओं और सुपर बग के विकास की संभावना से निपटना होगा। उनतालीस साल बीत गए उस जख्म के, अब भी वो जख्म ताजा हो उठते हैं। कभी पीड़ितों के इंसाफ के लिए तो कभी न्याय की उम्मीद के लिए, कभी इतिहास के पन्ने पलटने पर तो कभी उन रास्तों से गुजरने पर। जी हाँ, दर्द की दास्तां भोपाल का इस तरह से देखी। साल 1984 दिसंबर महीने के 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते बिछ गई लाशें, हजारों लोगों की जान चली गई। इतिहास के पन्ने हमने इसलिए पलटे हैं क्योंकि वो जख्म एक बार फिर ऐसी ही किसी आहट की तरफ इशारा कर रहे हैं। भोपाल के गौतम नगर इलाके की ब्रिज बिहार कॉलोनी के पानी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मिथाइल आइसोसाइनेट होने की आशंका है। पानी में गैस मिले होने की आशंका के बाद स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग ने पानी के सैंपल लिए जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। दरअसल कॉलोनी वासियों ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। अब रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा हकीकत क्या है, लेकिन ऐसी आशंका ने ही लोगों के जहन में डर पैदा कर दिया है। चमचमाता ये पुल और पुल में आई दरारें, प्री मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दी है तो करोड़ों की लागत से बने पुल पर भ्रष्टाचार के गड्ढे देखने लगे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला स्थित जामनी बेतवा पुल की ये तस्वीरें हैं। सीजन की पहली बारिश के बाद जगह जगह दरारें पड़ गई। झांसी टीकमगढ़ रोड पर ओरछा और प्रतिपुर के बीच जामनी नदी का पुल 65 करोड़ रूपए से बनाया गया था। इसी साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुल का उद्घाटन भी किया था, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार किया गया ये पुल महज 6 घंटे की बारिश भी नहीं झेल सका। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद करा दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि पुल के दोनों साइड पानी का जलभराव होने के कारण और कंपनी द्वारा कोई भी पानी का निकास न बनाने के कारण ये स्थिति बनी है। आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करें।
दमहू की युवती के साथ कर्नाटक में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एमपी पुलिस को कर्नाटक भेजने की बात कही। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रियंका वाड्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहती है, तो उमर फारूक को गिरफ्तार करने में एमपी पुलिस की मदद करे। ये युवती कौशल विकास केंद्र के जरिए बेंगलुरु से एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। वो करीब एक साल पहले बेंगलुरु गई थी, जहां उसकी पहचान एक युवक से हुई। उसने अपना नाम राजा बताकर युवती से दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया। वो युवती के दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। इस दौरान उसका आधार कार्ड देखकर युवती को पता चला कि युवक मुस्लिम है और असम का रहने वाला है, और उसका नाम राजा नहीं उमर फारूक है। ये पता चलने के बाद युवती ने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दी और बेंगलुरु से दमोह आ गई, जिसके बाद युवक उसे धमकाने लगा और धर्म बदल कर शादी का दबाव बनाने लगा। युवती ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। अरब सागर से उठा चक्रवात तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से बीते दिनों टकरा चुका है, लेकिन इसका असर अब भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी तूफान का असर बरकरार है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सागर संभाग के जिलों के साथ गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, विदिशा, रायसेन, हरदा में भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, चंबल, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों के साथ ही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा में हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान जताए गए हैं। इस दौरान इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। बिल्डिंग में आग, खेत में आग, जंगल में आग, फसल में आग, मकान में आग, दुकान में आग, इन जगहों पर आग तो आपने देखी होगी, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विशालकाय पेड़ में आग लग गई। तस्वीरें देखिए, सालों पुराना पेड़ जो घर से लगता है, उस पेड़ के तने से आग की लपटें उठ रही हैं। पेड़ से आग निकलती देख लोग हैरान रह गए। आग की लपटें ऐसी उठती रहीं और आधा पेड़ जलकर खाक हो गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से इस पर काबू पाया जा सका। जिले के रत्ना बांध गांव की ये घटना है। आशंका जताई जा रही है कि पेड़ से लगने वाले घर से चिंगारी उठी होगी, जिसके बाद टहनियों ने आग पकड़ ली होगी। आजकल रिहायशी इलाकों में भालुओं का पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। भोजन और पानी की तलाश में आए दिन जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक भालू पुलिस ऑफिसर मैस कैंप में पहुंच गया। दिन में भालू चहलकदमी करता नजर आया। तस्वीरें देखिए, पुलिस की कार खड़ी है, वहीं भालू वहां से चहलकदमी करते हुए गुजर रहा है। भालू के पहुंचने से कैंपस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में भालू को वहां से किसी तरह भगाया गया। इस वीडियो में पिट रही है माँ है, पीट रहा बेटा है, देख रही बहू है, पापा को समझा रही पोती है। इंदौर के चंदन नगर के वीडियो को देख खून खौल गया। क्या औलाद ऐसी होती? कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी यही हुआ। माँ को लात मारने वाले, पोते पोतियों के सामने थप्पड़ जड़ने वाले बेटे को माँ ने माफ कर दिया, क्योंकि वो माँ जो है। नशे में बेटा भले ही भूल गया कि सामने खड़ी औरत से ही उसका अस्तित्व है, उसी ने उसे जन्म दिया है, वो उसकी माँ है। लेकिन पिटने के बावजूद भी माँ ये नहीं भूली कि पीटने वाला उसकी ही औलाद है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। कहते हैं दुनिया में माँ के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। माँ की ममता के आगे सब कुछ फीका है। एमपी के कटनी में माँ और बेटे के प्रेम की मिसाल पेश करती कहानी सामने आई। कटनी के आचार्य विनोदा भावे वार्ड राहुल बाग में रहने वाली सुरेश कुमार सोनी की पत्नी सावित्री सोनी का कोरोना काल में निधन हो गया। माँ की मौत के बाद उनके बेटे गगन सोनी, आशीष सोनी और अभिषेक सोनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
माँ के निधन का सदमा छोटे बेटे अभिषेक सोनी को इस कदर लगा कि वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन माँ का साया उस पर बना रहा। इसलिए अभिषेक को एक आइडिया सूझा। बेंगलुरु के कलाकार ने दिवंगत सावित्री सोनी का हूबहू प्रतिमा तैयार की है, जिसे अब घर में स्थापित किया गया। परिवार वाले कहते हैं कि ऐसा लगता है उनकी माँ अब भी उनके बीच हैं। माँ बेटे के इस पावन प्यार की चर्चा हर तरफ हो रही है। एक कार जो खड़ी थी उसमें अचानक आग लग जाती है। आग की लपटें इतनी तेजी से उठती हैं कि आसपास के लोग कुछ समझ नहीं पाते। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार जलकर खाक हो जाती है। खड़ी कार आग के शोले में तब्दील होने की तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है, जहां मधुबन नगर इलाके में यह घटना हुई। पहले तो लोगों ने खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, नाकाम रहे तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आग के कारण अभी फिलहाल अज्ञात है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर रोज की तरह गाड़ियां गुजर रही थी, तभी यात्रियों को लेकर जा रही बस से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद बस के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की हैं। यहाँ जिला अस्पताल के सामने अचानक से बस से धुआं निकलने लगा, फिर आसमान में धुएं की चादर बिछ गई। बताया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गनीमत ये रही कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बताते चलें कि जिले में बड़ी संख्या में वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे देखने को मिलते रहते हैं। मॉनसून की दस्तक किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाई ही है, साथ ही लाई है दहशत भी। जी हाँ, गली में फन फैलाए फुफकारते हुए इस कोबरा को देखिए, ये दहशत मॉनसून के साथ ही आई है। दरअसल बारिश होने के बाद अब सांप लोगों के घरों में दस्तक दे रहे हैं। बर्देभाटा वार्ड के एक घर में जहरीला कोबरा घुस गया, जिसे देखने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। घर के लोग किसी तरह बाहर निकले और स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट आशीष परिहार मौके पर पहुंचे और कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला गया। फिर कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। लोगों को डर है कि अब ये दहशत बारिश के साथ घरों तक आती रहेगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली अंबिकापुर की, जहां 12 हाथियों का दल पटकुरा जंगल में डेरा जमाए हुए है। हाथियों ने कुटुआबहर मोहल्ले में एक घर को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ हाथियों का उत्पात, ग्रामीणों की मुसीबतें दोगुनी हो गई है। वन विभाग ने हाथी प्रभावित मोहल्ले को खाली कराया है। अब इस तस्वीर को देखिए। जशपुर जिले के कांसाबेल वन क्षेत्र में बरजोर फरसा जुड़वाइन बिहाबाल की है, जहां दंतैल हाथी ने 5 घरों को तोड़ दिया है। अचानक हुआ हाथी के हमले में घर के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जहां सैलानियों की बाढ़, लेकिन अगले कुछ महीनों के लिए मनोरंजन पर ग्रहण लगने वाला है। जगदलपुर स्थित कांगेर घाटी नेशनल पार्क 2 महीने के लिए बंद किया जाना है। बारिश के चलते 25 जून से कांगेर राष्ट्रीय उद्यान बंद कर दिया जाएगा। दरअसल बारिश के मौसम में पार्क के अंदर कई गुफाओं के अंदर पानी घुस जाता है, जिससे सैलानियों को खतरा रहता है। यहाँ 4 बड़ी गुफाएं हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन समाज में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं। सरकार के प्रयासों से बाल विवाह के मामलों में कमी तो जरूर आई है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बाल विवाह का हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पिता ने नाबालिग बेटी की शादी के लिए प्रशासन को भी झांसा दे दिया। दरअसल महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति को 17 साल की नाबालिग की शादी किए जाने की खबर मिली, जिसके बाद टीम जांच के लिए गांव पहुंची। वहां टीम से बात करने के लिए खुद नाबालिग का पिता सामने आया और उस खबर को अफवाह बताते हुए बड़ी बड़ी बातें कर डाली। लड़की के पिता को यहां तक कह दिया वे बाल विवाह के खिलाफ हैं और लोगों को भी ऐसा करने से रोकते हैं। शख्स की लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में टीम फंस गई।
और वापस चली गई। लेकिन जब सोशल मीडिया पर नाबालिग की शादी की तस्वीर वायरल हुई तो इस कारनामे का खुलासा हुआ। मुंगेली पुलिस की अनोखी पहल से जिले के बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। मुंगेली एसपी चंद्रमोहन सिंह के द्वारा एक साल से जिले में बज्जर मुंगेली अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को वज्र की तरह मजबूत कर सेल्फ डिफेंस के लिए मजबूत बनाना है। इसमें खासकर बच्चियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मलखम, सिलंबम, तलवारबाजी, कुश्ती, बॉक्सिंग जैसे खेलों में बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देश और राज्य में अपने प्रदर्शन के दम पर कई पुरस्कार भी हासिल कर रहे हैं। मुंगेली पुलिस द्वारा ट्रेनर की व्यवस्था कराकर निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही आवश्यक सभी सामग्रियों का निःशुल्क वितरण भी किया जा रहा है, जिससे बच्चों का बेहतर भविष्य निर्माण हो सके। इस पूरे पहल की मॉनिटरिंग खुद पुलिस कप्तान करते हैं। लोग पुलिस के इस कार्य की तारीफ भी कर रहे हैं। आम के बागान में खड़ा ये इंसान आम नहीं है और इनके हाथ में रखा ये आम भी बेहद खास है। यह है राजेंद्र गुप्ता, जो कोल इंडिया में जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हैं। इन्होंने अपने जीवन में पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ कमाया। ये चाहते तो देश के किसी भी शहर में फ्लैट या मकान खरीद कर वहां रह सकते थे, लेकिन जिंदगी की सेकेंड इनिंग में कुछ अलग पिच पर खेलने की ठानी और शहर छोड़कर गाँव आ गए। साल 2017 में रिटायर हुए राजेंद्र गुप्ता को कंक्रीट के जंगल से सजे शहरों के किसी ऊंची इमारत के 20वें या 40वें माले पर बैठकर दुनिया देखना मंजूर नहीं था। इन्होंने प्रकृति के उस नुकसान की भरपाई करने की ठानी जो नौकरी करते हुए की थी। राजेंद्र गुप्ता ने बतौर माइनिंग इंजीनियर सर्विस के दौरान जंगल, पेड़ पौधों को उजाड़कर धरती के सीने से मिनरल्स निकाले, लिहाजा नौकरी के बाद शहर छोड़कर वे गाँव आ गए और यहाँ आम की खेती शुरू कर दी। आम भी ऐसा जिसकी कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। रायपुर में लगी प्रदर्शनी में वैसे तो 150 से ज्यादा किस्म के आम आए थे, लेकिन महफिल लूट ले गया गुप्ता जी की मियां जाकी किस्म का आम। शिरडी के साईं बाबा में भक्तों की असीम श्रद्धा है, यही कारण है कि साईं दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा के दरबार में आए श्रद्धालु दिल खोल कर दान भी करते हैं। पिछले 1.5 महीने में भी साईं के भक्तों ने साईं के चरणों में जमकर चढ़ावा चढ़ाया है, जिसके कारण बाबा की झोली रुपए पैसों के साथ साथ सोने और चांदी से भी भर चुकी है। जानकारी के मुताबिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 26 लाख भक्तों ने साईं समाधि के दर्शन किए और इस दौरान भक्तों ने 47 करोड़ का दान दिया है। शिरडी साईं संस्थान की ओर से बताया गया है कि हुंडियों के खोलने के बाद दान में मिली रकम की गिनती की गई। साईं संस्था के सीईओ पी शिवा शंकर ने बताया कि 25 अप्रैल से 15 जून तक 26 लाख भक्तों ने समाधि के दर्शन किए, जिसमें 22 लाख भक्तों साईं प्रसाद लाने में प्रसाद भी ग्रहण किया। साईं दरबार आए भक्तों ने कैश, चेक, डीडी और ऑनलाइन 47 करोड़ रुपए दान किए, जबकि इस दौरान 2 किलो सोना और 52 किलो चांदी भी जमा हुई। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि बदमाश एटीएम मशीन में अपनी डिवाइस लगाकर आपका एटीएम हैक कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको ये यकीन भी हो जाएगा। इस शातिर गैंग के बदमाशों ने एक एटीएम मशीन को खोलकर उसमें अपनी डिवाइस लगा दी, ताकि जैसे ही आप इसमें अपना एटीएम डालें ये आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दे। दानापुर के नौबतपुर में एस गैंग के बदमाशों ने एक एटीएम को अपना निशाना बनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लोग एटीएम के अंदर हैं। इनमें से एक शख्स एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालता है, लेकिन दोनों की नज़र एटीएम की स्क्रीन से ज्यादा इधर उधर है। कुछ सेकंड बाद ही गैंग का तीसरा साथी भी वहाँ पहुँच जाता है। कुछ सेकंड बाद ही पहला शख्स एटीएम से बाहर निकल जाता है, ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। फिर
फिर झट से ब्लू टी शर्ट पहना शख्स एटीएम मशीन को खोलने लगता है। फिर दूसरा शख्स किसी चीज का इस्तेमाल कर खोलने की कोशिश करता है।